जाइए बेटा, देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में आपको बता दें कि सुटेबल कंडीशंस में एल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन होता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ द एल्डिहाइड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एग्जांपल है कि जब हम एसिटल्डिहाइड को लेते हैं, किसको लेते हैं, एसिटल्डिहाइड को, ये देखिए CH3CHO, दिस इज द एसिटल्डिहाइड। 3 moles ऑफ एसिटल्डिहाइड को कंसेंट्रेट H2SO4 को ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं तो कंपाउंड मिलता है CH3CHO का होल थ्राइस। ये पॉलीमराइजेशन से पैरा एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? पैरा एल्डिहाइड बनाता है, पहली चीज़। दूसरी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम एसिटल्डिहाइड को लेते हैं, 4 moles ऑफ एसिटल्डिहाइड लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखना HCl की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनता है CH3CHO। इसका पॉलीमराइजेशन होने से एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है मेटा एल्डिहाइड। तो मेटा एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन याद रखें, कीटोन का पॉलीमराइजेशन नहीं होता, ठीक है। कीटोन डू नॉट पॉलीमराइज, कीटोन पॉलीमराइज्ड नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से पैरा एल्डिहाइड और मेटा एल्डिहाइड हम बना सकते हैं, एल्डिहाइडों का क्या कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी होगी इसी तरह से रिएक्शन विद एल्कोहल। पॉलीमराइजेशन हुआ बच्चों, बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है रिएक्शन विद एल्कोहल। रिएक्शन विद एल्कोहल के केस में एल्डिहाइड ही रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए जरा, RCHO एल्डिहाइड को एल्कोहल के साथ रिएक्ट करना है तो ROH, दिस इज द एल्कोहल, दिस इज द एल्डिहाइड, ओके। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, RCHOHOR-, ओके, तो ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एसिटल। ये एसिटल बन जाता है, क्या बन जाता है, एसिटल TAL। क्या बन जाता है बच्चों, एसिटल बन जाता है, ठीक है। और एक चीज और, पहले तो ये हेमी एसिटल है, सॉरी हेमी एसिटल बनता है, और अब ये हेमी एसिटल एसिटल में बदलता है अगर इसकी सेकेंड मोल्स ऑफ एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो R CHO R का होल ट्वाइस। दिस इज द हेमी एसिटल एंड दिस इज द एसिटल, ओके।
तो इस तरह से ये एसीटल बनता है। आप यहाँ पर एसीटल डिहाइड ले सकते हैं, यहाँ एथिल अल्कोहल ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कीटोन अल्कोहल के साथ कीटल नहीं बनाते। जैसे ये एसीटल बना रहा है, वैसे ही कीटोन कभी भी एसीटल नहीं बनाते हैं। हम एसीटल की बात पहले भी कर चुके हैं, एसीटल और हेमी एसीटल क्या होते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, HNO2। नाइट्रस एसिड होता है ना बेटा ये, तो चलिए देखते हैं। ये जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन देते हैं। ये मैंने एक कीटोन ले लिया एसीटोन के रूप में, एसीटोन की रिएक्शन HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे तो बच्चों आपको एक कंपाउंड मिलेगा, कौन सा, ऑक्सीमिनो एसीटोन CH3CO CH डबल बॉन्ड NOH प्लस साइड प्रोडक्ट में वाटर निकल जाता है। इस कंपाउंड का नाम ऑक्सीमिनो, क्या नाम हो जाता है, ऑक्सीमिनो कीटोन बोलो या इसको एसीटोन, चूंकि एसीटोन है तो एसीटोन बोल सकते हो आप, एसीटोन कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन याद रहे, डू नॉट गिव द एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड इस तरह की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद द क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन विद द क्लोरोफॉर्म के केस में ये हमने एसीटोन लिया, एसीटोन की रिएक्शन CH3Cl मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ कराई, तो जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो पता होना चाहिए आपको क्या कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है क्लोरीटोन। ओके, ये भी प्रॉपर्टी हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से क्लोरीटोन बन जाता है। लेकिन याद रहे एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड इस तरह की रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। फिर बात करते हैं रिएक्शन विद सोडा माइड या सोडियम, सोडा माइड या सोडियम के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है ये, आइए देखते हैं। तो सोडामाइड या बोले इसको रिएक्शन विद सोडियम, तो देखिए बेटा हमने लिया, ये रिएक्शन भी कीटोन के साथ होती है, CH3CO CH3 या सोडियम लिखिए, ठीक है। हमने ले लिया NaNH2, दिस इज द सोडा माइड, लोग इसे सोडियम भी बोल देते हैं। तो ईथर की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई, कंपाउंड हमको मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा मोनो सोडियो डेरिवेटिव, मतलब CH3CH2, एक यहाँ से हाइड्रोजन हट चुका है इस जगह से, ONA प्लस NH3,
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सोडामाइट के साथ ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड नहीं देते। यहाँ पर आप नोट डाल के लिख लेंगे क्या कि एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन नहीं देते? एल्डिहाइड नहीं देते। इसके बाद है एक और रिडक्शन इन पिनेकॉल। पिनेकॉल में रिडक्शन, रिडक्शन इन पिनेकॉल, पिनेकॉल देखिए बेटा, अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में किसी एक्टिव मेटल के थ्रू कीटोन्स का रिडक्शन कराते हैं तो 1,2 ग्लाइकॉल बनता है। यही रिएक्शन है ये। तो ये हमने एसीटोन लिया, इसकी रिएक्शन एमजी एचजी की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा रहे हैं, कंपाउंड CH3 यहाँ पर भी एक ये CH3, ये दोनों CH3 यहाँ पर आ जाएगा OH, CH3 OH CH3। तो इस तरह से एसीटोन का बैलेंस कर लेंगे आप रिएक्शन को टू मोड्स लगा करके। ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड नहीं देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फिनिश होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ टेस्ट बताएंगे, परीक्षण बताएंगे, ठीक है।